हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th। एक्सरसाइज है हमारी 7.1। चैप्टर 7 है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। इसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था मेरे पिछली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स। हमें थ्री डिजिट्स नंबर निकालना है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4 and 5। एज्यूमिंग दैट, हमें ये बताना है कि हम कितने थ्री डिजिट नंबर बना सकते हैं, किन डिजिट से, 1, 2, 3, 4, 5 से डिफरेंट थ्री डिजिट नंबर बनाना है हमें। अब देखो फर्स्ट में क्या दे दिया, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। डिजिट्स को हम रिपीट कर सकते हैं, तो हम कैसे निकाल लेंगे। देखो गिवन डिजिट्स आर 1, 2, 3, 4 and 5। हमारे पास डिजिट क्या है, 1, 2, 3, 4 and 5। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, और डिजिट्स है वो रिपीटेशन अलाउड है। हमें थ्री डिजिट नंबर बनाना है तो डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3 इनके अंदर हमें डिजिट भरने हैं। कोई भी हम डिजिट भर सकते हैं, और डिजिट किन में से भरना है, इनमें, इन फाइव डिजिट्स में से हमें डिजिट फिल करना है। अब ये देखो, फर्स्ट डिजिट D1 कैन बी अरेंज्ड इन, जो हमारे पास D1 है फर्स्ट डिजिट, इसके अंदर हम कितने डिजिट लिख सकते हैं। अब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी। तो इन 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट होता है तो इसको भरने के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास, 5 ऑप्शन है। तो क्या लिख देंगे, फर्स्ट डिजिट D1 कैन बी अरेंज्ड इन 5 वे, इसको 5 वे से अरेंज कर सकते हैं। सेकंड डिजिट, फिर हमारे पास सेकंड डिजिट आता है। अब सेकंड डिजिट में हम कैसे फिल कर सकते हैं, इसको भी भरने के लिए हमारे पास 5 डिजिट है, क्योंकि इनमें से कोई भी डिजिट हो सकता है, तो ये भी 5 हो। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड होगी तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो डिजिट यहाँ गया वो डिजिट यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि डिजिट को रिपीट नहीं करेंगे। अब डिजिट को जब रिपीट कर सकते हैं तो यहाँ भी 5 आ सकते हैं और इसमें भी 5, तीनों में 5, 5 में से कोई भी डिजिट हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी डिजिट होगा, यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों के लिए 5, 5 ऑप्शन है। अब टोटल हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट्स नंबर से, थ्री डिजिट नंबर निकालना हमें टोटल, तो क्या आ जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5 = 25 × 25 × 125। तो हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे, 125 टाइप्स से हम थ्री डिजिट नंबर बना सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 से। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। अब नेक्स्ट में क्या दे दिया कि जो डिजिट्स है उनकी रिपीटेशन अलाउड नहीं, यहाँ रिपीटेशन अलाउड थी लेकिन यहाँ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब हमारे पास गिवन डिजिट तो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हमारे पास देखो, फर्स्ट डिजिट हमारे पास D1 है, इसको भरने के लिए कितने ऑप्शन हमारे पास, 5 ऑप्शन है, इन 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट हो सकता है। सेकेंड डिजिट D2, अब D2 है, इसको अरेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए। अब देखो 5 डिजिट है, कोई 5 में से कोई भी एक डिजिट तो यहाँ आएगा ही आएगा। जो डिजिट यहाँ आ गया उसको हम यहाँ नहीं लिख सकते, क्यों, रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ भरने के लिए कितने, क्योंकि टोटल तो 5 थे, 5 में से एक डिजिट तो यहाँ आ जाएगा, तो कितने बचेंगे, यहाँ 4 डिजिट बचेंगे। अब जब हम D3 लिखेंगे तो एक डिजिट यहाँ आ गया, एक डिजिट यहाँ, 2 डिजिट तो यहाँ फेल हो गए, डिजिट कितने बच गए हमारे पास, 3 डिजिट और बच गए, उन 3 में से कोई भी एक आएगा। तो क्या लिखेंगे, सेकेंड डिजिट D2 कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑफ रिमेनिंग 4 डिजिट्स बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सिमिलरली थर्ड डिजिट कैन बी अरेंज्ड इन 3 वे, थर्ड डिजिट में 3 वे से भर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर कितना आ जाएगा, 5 × 4 × 3, 5 × 4 = 20, 20 × 3 = 60। तो हमारे पास कितने तरह से भर सकते हैं, हमें 60 डिफरेंट डिजिट्स बना सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ये बोल रखा है हाउ मैनी थ्री डिजिट इवन नंबर, कितने हम थ्री डिजिट इवन नंबर बना सकते हैं। कंडीशन क्या है, इवन नंबर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, किन डिजिट्स में से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, अगर हम डिजिट्स को रिपीट करेंगे। अब देखो हमारे पास डिजिट तो क्या है, गिवन डिजिट क्या है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर अलाउड, सो यूनिट प्लेस कैन बी अरेंज्ड बाय 2, 4, 6। क्यों है 2, 4, 6, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है हमें इवन नंबर बनाना है, इवन नंबर बनाना है, तो इट मीन्स हमारे पास जो लास्ट डिजिट होगा वो तो हमारे पास कैसा होगा, इवन होगा ही होगा। इवन होगा तो इट मीन्स उसमें क्या भर सकते हैं, 0, 2, 4, 6
एट, ये डिजिट होंगे तभी तो वो इवन नंबर बनेगा। अब इसमें से देखो इनमें कितने आए, टू भी आए, फोर भी आए, सिक्स, तो टू फोर और सिक्स ये तीन डिजिट आ सकते हैं लास्ट प्लेस पे। तो हमारे पास इस प्लेस पे क्या आ सकता है, या तो टू आ सकता है या फोर या सिक्स, इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं आ सकता। तो हमारे पास जो यूनिट प्लेस है उसके तो डिजिट फिक्स हो गए, क्या क्या आ सकता है, टू फोर और सिक्स, इन तीन डिजिट में से आ सकता है। अब सेकंड डिजिट है तो सेकंड डिजिट कैन बी अरेंज्ड इन सिक्स वे बिकॉज, अब सेकंड डिजिट में हम सिक्स वे भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, क्योंकि टोटल डिजिट है सिक्स, रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउड है तो कोई भी सिक्स जो हमने पहले फील कर दिया उसको भी लगा सकते हैं हम, तो क्या लिखे, रिपीटेशन इज अलाउड। तो सेकंड को भरने के लिए सिक्स हो गए, फर्स्ट को भरने के लिए थ्री थे, यूनिट प्लेस को सेकंड के लिए सिक्स हो गए, सो इट कैन बी डन इन सिक्स वे। थर्ड डिजिट डी थ्री में भी हम सिक्स भर सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स इज, फर्स्ट पे थ्री, तीन डिजिट भर सकते हैं टू फोर सिक्स, सेकंड पे भी सिक्स और थर्ड पे भी सिक्स, सिक्स सिक्स या थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स थ्री या 108, तो हम कितने टाइप से भर सकते हैं, 108 टाइप से हम उसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ मेनी फोर लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। हमें ये बताना हाउ मेनी फोर लेटर्स, चार लेटर दे रखे हैं, कोड्स कैन बी फाउंड भर सकते हैं यूजिंग द लेटर, लेटर को बनाने के लिए 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के हमारे पास 10 लेटर हैं और उनमें से हमें किन्हीं भी चार डिजिट से एक लेटर कोड बनाना है। इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, और कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा, तो लेटर फर्स्ट लेटर सेकेंड लेटर थर्ड लेटर फोर्थ, चार लेटर हमें फील करने हैं, चार लेटर फील करने हैं। अब कोई भी हमारे पास फर्स्ट है, फर्स्ट को फील करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, टोटल लेटर कितने हैं, 10 लेटर हैं, तो 10 में से कोई भी एक लेटर आ सकता है, तो फर्स्ट लेटर L1 कैन बी अरेंज्ड इन 10 वे, तो इसको भरने के लिए हमारे पास कितने वे आ गए, 10 वे आ गए। सेकंड लेटर है, सेकंड को फील करने के लिए हमारे पास कितने आ जाएंगे, 9, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं, तो जो डिजिट यहां आ गया वो यहां नहीं आ सकता, तो एक डिजिट तो यहां आ गया, टोटल 10 थे, 10 में से एक जाएगा 9 आ जाएगा। इसी तरह फिर हमारे पास क्या लिखते हैं, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सिमिलरली L3 और L4, L3 के अंदर हम कितने डिजिट्स फिल कर सकते हैं, जब यहाँ पर 10 आ गए या 9, तो दो डिजिट तो हमारे हो चुके हैं फिल, कितने डिजिट बच गए, 8 डिजिट बच गए। अब तीन डिजिट फिल हो गए तो यहाँ कितने बच गए, 7, अब सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ फोर लेटर कोड इज, टोटल हमें फोर लेटर कोड्स के कितने नंबर हैं, देखो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, 9 8 जा 72, 72 7 जा 500, 4 मल्टीप्लाई 10 5040, तो हमारे पास ये आ गया टोटल नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9, 0 से 9 तक के डिजिट्स का हम यूज करेंगे और हमें एक 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। If each number starts with 6-7 और हर एक number 6-7 digit से start होगा and no digit appears more than once, और कोई भी digit एक से ज़्यादा बार नहीं आएगा, it means repetition is not allowed। तो क्या देखो, first दो digit तो हमारे पास fix हो गए, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 67 से start होगा कोई number, तो दो digit तो हमारे पास fix है, हमें तो तीन digit और fill करने, D1, D2, D3। अब इसको fill करने के लिए हमारे पास कितने digit हैं, 0 से 9 तक के टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10 डिजिट हो जाएंगे। देखो कैसे, वी नीड टू क्रिएट ए 5 डिजिट फोन नंबर्स विच इज ऑलवेज स्टार्ट विद 67। अब फर्स्ट टू प्लेसेस हैव ऑलरेडी फिल्ड विद 67, पहले दो प्लेस हैं वो फिल कर रखे 67 से, रेस्ट थ्री प्लेस कैन बी फिल्ड विद डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। अब हमारे पास जो बचे हुए तीन डिजिट हैं, जो बचे हुए तीन हैं उनको हमें फिल करना है 0 से 9 तक। ऑल्सो डिजिट्स आर नॉट अलाउड टू रिपीट, और डिजिट्स वो रिपीट नहीं होंगे। नाउ D3 कैन बी अरेंज्ड यूजिंग डिजिट 0 to 9 एक्सेप्ट 6 7। अब हमें 0 से लेके 9 तक के डिजिट इसके अंदर फील करने हैं, ये हमारे पास D3, इसके अंदर हमें 0 से 9 तक के डिजिट को फील करना है, किसको छोड़कर, 6 और 7 को छोड़ देंगे। तो हमारे पास डिजिट कौन कौन है, 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेना हमें, 8 और 9 डिजिट हमारे पास कितने बचते हैं, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8 टोटल हमारे पास 8 डिजिट बच गए। तो इसको फिल करने के कितने ऑप्शन है? 8 है, इसको फिल करने के 7 हो जाएंगे और इसको फिल करने के लिए 6 है, क्योंकि डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। तो क्या लिखेंगे? नाउ D3 कैन बी अरेंज्ड यूजिंग डिजिट 0 to 9 एक्सेप्ट 6 and 7, सो D3 कैन बी अरेंज्ड इन 8 वे, एंड D2 कैन बी अरेंज्ड इन 7 वे, D1 कैन बी अरेंज्ड इन 6 डिजिट। टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर के क्या आ जाएगा? 8 × 7 × 6 3 8 7 56 56 6 336। तो हम इसको कितने टाइप से भर सकते हैं? 336 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, और उसके आउटकम्स को रिकॉर्ड किया गया। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, उसके अंदर टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? अब देखो, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, मान लिया एक कॉइन को हमने टॉस किया, वी गेट 2 outcomes आइदर हेड और टेल। और एक से जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास 2 outcomes आते हैं, या तो हमारे पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इन ईच थ्रो द नंबर ऑफ वे ऑफ गेटिंग डिफरेंट आउटकम्स इज 2, हर एक थ्रो के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वे कितने आ जाएंगे आउटकम्स के? 2 आ जाएंगे। गिवन दैट द कॉइन इज टॉस 3 times और जो कॉइन है उसको 3 times हमने टॉस किया गया है, तो क्या लिख देंगे? बाई यूजिंग द मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 3 times मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 2 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल आउटकम्स 8 आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। गिवन 5 flags ऑफ डिफरेंट कलर्स हैं, हमारे पास 5 flags हैं और सभी का कलर डिफरेंट है। हाउ मैनी डिफरेंट कलर्स हैं, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेट, हमें डिफरेंट सिग्नल के लिए जनरेट करना है। इफ़ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 flags और हमारे पास हर एक सिग्नल है 2 flag को यूज़ कर रहा है, वन बिलो द अदर, एक दूसरे से अलग होंगे। अब F1 और F2 हमारे पास 2 flag हो गए। गिवन ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 flags नेमली F1 एंड F2, हर एक सिग्नल है वो 2 flag का यूज कर रहा है F1 और F2 का। वी नीड टू जनरेट डिफरेंट सिग्नल, सिग्नल है वो जनरेट करना है। सो रिपीटेशन ऑफ फ्लैग्स आर नॉट अलाउड, तो इट मीन्स रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी क्योंकि सभी का अलग अलग होगा, डिफरेंट सिग्नल दे रखा है। F1 कैन बी अरेंज्ड इन 5 वे, तो जो F1 है उसके अंदर हम फील करने के लिए कितने वे हैं हमारे पास? 5 वे हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल फ्लैग कितने हैं? 5 flags हैं, तो F1 है हमारे पास, उसके अंदर 5 में से कोई भी फ्लैग लगा सकते हैं हम। तो F1 कैन बी अरेंज्ड इन 5 वे एंड F2 कैन बी अरेंज्ड इन 4 वे। अब हमारे पास जो यहाँ यूज हो चुका है फ्लैग वो यहाँ नहीं हो सकता, तो इसके लिए कितने बचेंगे? 4। तो क्या लिखेंगे? बिकॉज रिपीटेशन ऑफ फ्लैग्स आर नॉट अलाउड बाई यूजिंग मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स इज इक्वल टू, फर्स्ट हमारा 5 है, सेकेंड 4 है, 5 × 4, 5, 4 = 20। तो हमारे पास F1 और F2 के लिए हमारे पास टोटल डिफरेंट कलर्स के कितने डिफरेंट सिग्नल बना सकते हैं हम? 20 डिफरेंट सिग्नल्स बना सकते हैं। ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.1। ओके, थैंक यू।